स्कीम के अंतर्गत परीक्षा परिणाम निकलने के बाद इसकी काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया होगी, उसके संबंध में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में लगातार आप शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित वीडियोस देखते रहते हैं। आज की जो वीडियो है वो श्रेष्ठ स्कीम के बारे में है। श्रेष्ठ स्कीम के रिजल्ट आने के बाद लगातार कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि किस तरह से आगे की काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसी काउंसलिंग की प्रक्रिया को किस तरह से होना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, मैंने केवल श्रेष्ठ डॉट एन टी ए लिखा है, उतने में ही ये इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आपको अगर आप पूरा लिखना चाहें तो श्रेष्ठ डॉट एन टी ए डॉट ए सी डॉट इन लिख दीजिए, एनआईसी डॉट इन लिख दीजिए, तो उससे आपको ये जो वेबसाइट का आईडी है वो आ जाएगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो आपको समझाई जाएंगी। तो देखते हैं क्लिक करके किस तरह से आपको इसकी प्रक्रिया को समझना है। जब आप खोलेंगे तो आपको इंटरफेस मिलेगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। ये जो वेबसाइट है स्पेशली एनटीए ने ट्रस्ट के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं। इस पे ऊपर देखिए होम है, अबाउट अस है, इंफॉर्मेशन है और FAQ और फिर कॉन्टेक्ट अस है। इसमें कोई नोटिफिकेशन में अलग से नहीं लिखा है पब्लिक नोटिस, जो 20 तारीख को रिजल्ट की नोटिफिकेशन है उसके अलावा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और दाएं तरफ आएंगे तो दाईं ओर आपको कैंडिडेट एक्टिविटी मिलेगा और उसमें ऊपर में मतलब स्कोर कार्ड रिलीज करने का जो नोटिफिकेशन था उसके पहले दो आपको हेडलाइंस मिलेंगे। एक लिखा है सीट मैट्रिक्स फॉर सेस्ट काउंसलिंग और स्कूल प्रिफरेंस चॉइस सबमिशन फॉर सेस्ट काउंसलिंग 2022। तो हम एक एक करके दोनों को क्लिक करेंगे क्योंकि दोनों पार्ट आपको फुलफिल करना है, दोनों पार्ट को आपको भरना है। दोनों पार्ट भरने के बाद ही आपकी प्रक्रिया पूरी होगी। बहुत सारी बातें थी जो कल के वीडियो के बाद मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे। जैसे लोग अपना रैंक बता रहे थे मेरा होगा या नहीं होगा, तो इसने एक तरीका अपनाया है बोर्ड ने यानी कि एनटीए ने कहें या फिर कहें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने, उसने काउंसलिंग सारे लोगों के लिए ओपन रखी है। सभी कोई जो भी चाहे इसको भर सकता है, जिसने इस एग्जाम में अपीयरेंस दी है वो इस काउंसलिंग में अपीयर हो सकता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा अपनी सीट नहीं लेता है तो उसके नीचे वाले को सीट मिलना है, जो भी जिसने भी काउंसलिंग में प्रीफरेंस डाला होगा। तो आपको अपना प्रीफरेंस डालना है, किस तरह से प्रीफरेंस डालना है वो सब मैं बताऊंगा। और आप बिल्कुल निराश मत होइए, आपकी रैंक चाहे जो भी हो आप काउंसलिंग प्रक्रिया में आप सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ सीट मैट्रिक्स फॉर श्रेष्ठ काउंसलिंग 2022। इसमें एक पॉपअप आएगा, उस पर आपको दूसरे साइड पर डायरेक्ट करने का इंस्ट्रक्शन रहेगा, आप उसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये इस तरह का कुछ आपका इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा आप होल्ड करिए, मैं इसको पूरा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको, जिसपे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का हेडलाइन है, ऊपर स्कीम के बारे में जानकारी है, उसके बाद लिखता है सीट मैट्रिक्स होम। अब उसमें राउंड नंबर लिखा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें एक राउंड से ज्यादा राउंड में काउंसलिंग होनी है। जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का एक रिजल्ट आ जाएगा, आपने अपनी चॉइस का जो स्कूल भरा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल मिला है या नहीं मिला इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद यदि सीट बच जाएगी तो फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी होनी है। तो अभी तो आपको इसको वन ही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद स्कूल का नाम है तो स्कूल के नाम की पूरी लिस्ट आएगी आपके पास, ये आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है। इसमें एक एक करके आप बड़े आराम से आप सर्च मारिए, केरला के स्कूल हैं, पंजाब का है, मथुरा का है, और ये सारी स्कूल्स के लिस्ट हैं, अहमदनगर का है, पुणे का है, हरियाणा का है। तो ये सारे स्कूल्स की लिस्ट है, आप देख लीजिए आप कहाँ रहते हैं, किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, कौन सा स्कूल अच्छा है, या आपने सुन रखा होगा किसी स्कूल के बारे में, आपकी पढ़ने की इच्छा होगी उस स्कूल में, तो आप उस स्कूल को चॉइस कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको छत्तीसगढ़ का स्कूल चूज करना है, अगर आप बिहार से हैं तो आपको बिहार का ही स्कूल चूज करना है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन किसी भी पॉइंट पे नहीं है, आप देश भर के किसी भी स्कूल का चयन कर सकते हैं और उसको यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। जैसे मैंने BS सेकेंडरी स्कूल का चूज किया तो मैं हरियाणा के इसको क्लिक कर सकता हूँ, ये मेरे लिस्ट में आ जाएगा। अब उसके बाद आता है क्लास।
आपने अगर नाइन्थ के लिए अप्लाई किया है तो आपको नाइन्थ को क्लिक कर देना, इसमें कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने इलेवंथ अप्लाई किया है और इलेवंथ में आप क्या चाहते हैं, आर्ट्स चाहते हैं, कॉमर्स चाहते हैं, साइंस चाहते हैं, आपको उसके हिसाब से क्लिक करना है। अगर मुझे साइंस लेने की इच्छा है तो मैंने साइंस पे क्लिक कर दिया, इसके बाद मुझे सबमिट करना है इसको, तो मैंने सबमिट कर दिया। अब ये राउंड बोल रहा है राउंड सेलेक्ट, तो राउंड मैंने इसका वन सेलेक्ट कर लिया, मान लो मैंने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है, ये मैंने सबमिट कर दिया मान लो, तो ये चला गया। अब ये आपका टोटल सीट्स 10 है वहां पे, और आपको 10 में से कौन सा नंबर का आएगा ये दिख जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको सबमिट करना है, लेकिन इसके पहले एक और काम है जो आपको कर लेना है, वो मैं आपको बता देता हूं। पिछले पेज में जहां से हमने काम चालू किया था, स्कूल प्रिफरेंस दिया है, चॉइस सबमिशन, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, फिर ये आपको एक्सटर्नल साइट पे ले जाएगा, और यहां से आपको ये सारी चीजें, मतलब सबसे पहला काम तो आपका यही होगा। मैंने वीडियो बनाते समय एक गलती कर दी कि मुझे ये पहले बताना था आपको, कोई बात नहीं, आप पहले ये करिए उसके बाद उसमें चले जाइए। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर बता दूं इसका पिक्चर, क्योंकि पहला काम तो आपको साइन इन करने का है, अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया हुआ है। काउंसलिंग, काउंसलिंग में आपको इसको ही क्लिक करना है, ऐसा कुछ करना नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर आपको अपना डालना है, फिर पासवर्ड आपको डालना है, फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालनी जो नीचे दिया गया है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना है, और उसके बारे में भी मैं बता दूं आपको, सिक्योरिटी पिन उसके बाद डालना है। सिक्योरिटी पिन का नीचे दिया हुआ है कैप्चा 6UN182, इसमें है, आपके में दूसरा आएगा। इसके बाद आपको साइन इन प्रेस कर देना है। मैं आपको बताना चाह रहा था पासवर्ड के बारे में, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। पासवर्ड के विषय में ये बात कहता है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में पढ़ लेते हैं, अगर कुछ इसके बारे में जानकारी हो तो फिर उसको, फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंशियली की ऑफ पासवर्ड इज सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल केयर मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट द पासवर्ड। फॉर सिक्योरिटी रीजन आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क काइंडली क्लिक द लॉगआउट बटन एंड क्लोज ऑल द विंडोज रिलेटेड टू योर सेशन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप चेंजिंग द पासवर्ड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, नेवर शेयर योर पासवर्ड। तो पासवर्ड आप बार बार चेंज कर सकते हैं, अगर आपने पासवर्ड भूल गया आप तो फिर आप फॉरगॉट पासवर्ड में जा सकते हैं, वहां से आपको पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के पहले इस फॉर्म को भरिएगा, साइन इन करिएगा, उसके बाद फिर दूसरे कॉलम में जाइएगा। ये दोनों काम आपको करने हैं, दोनों काम जरूरी है, और उसके बाद फिर इसके बाद मुझे पता है कि आपके कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आएंगे, पर मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो भी जानकारी मैं समझ पाया हूं उसको आप तक शेयर कर सकूं। एक और बात मैं बता दूं कि इस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद एक इसका रिजल्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने जो सीट चाहिए वो अगर आपको मिल पाई है तो अच्छी बात है, नहीं मिल पाई है तो फिर आपको दूसरे चरण के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जैसा कि मैंने कल भी आपके सवालों के जवाब देते समय ये कहा था कि रैंक जो है वो तब मायने रखेगा जब आपने जिस स्कूल को चाहा है उस स्कूल में कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये काउंसलिंग का जो राउंड है वो चलेगा तब तक जब तक इन्होंने जो 3000 सीटें बताई हैं वो 3000 सीट फुलफिल ना हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने चीजें समझ ली होंगी अच्छे ढंग से, और फिर इसका फायदा आपको मिल सकता है काउंसलिंग के फॉर्म भरते समय। उम्मीद करता हूँ आप सब इसके बाद अपने काउंसलिंग का फॉर्म आज के आज ही भर दीजिए, डिले करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो प्लीज़ आप अपना काम तत्काल कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।